खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे 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 बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइस राइस नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर, कैन आई हैव अनइंटरप्टेड? प्लीज 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 लेट द मेंबर स्पीक, मेंबर स्पीक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सर, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिविलाइज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर सर बहरहाल सर, आई एम सिटिंग डाउन, आई एम नो नो प्लीज सिट डाउन। मनोज कुमार झा, डू यू वांट टू स्पीक? प्लीज बी सीटेड। आई एम नॉट टेकिंग योर नेम मिस्टर सिद्धेश्वर, आई हैव नॉट टेकन योर नेम, आई हैव टेकन द नेम ऑफ मिस्टर मनोज कुमार झा। प्लीज कैन आई हैव आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी दो बच्चों के साथ रहता है। सर, सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10,000 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10,000 से 12,000 होती है। उसके दो बच्चे हैं सर, अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर काटते जाइएगा 10 में, 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, एक महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 × 2 × 30 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, दो बच्चे हैं, 2,000, आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर, ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर, एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी। सर, पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है, सर कीमतें क्यों नहीं पड़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। अब सर, मैं बार बार देख रहा हूं क्रेडल टू ग्रेव। हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे GST ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद, सर कफन में जेब नहीं होती है, सर हम सब जानते हैं, उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से होटल हो सकते हैं। सर, जब इन्फ्लेशन पे मेरा SDD जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था। सर मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजन हो गया। सर, मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई,
हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है, हम सिर्फ श्रम देते रहे और आप हमको जनशताब्दी जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया, कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए आप आपका सर सर मैं खत्म हो रहा है, एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को। सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38-39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं सर। आप महोदय मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का। सर 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि नहीं मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। आपका मैं तेल निकल चुका सर, बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की, मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं, अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई अपनी, वहां भी GST लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा, कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने सर एक मिनट दे दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहाँ तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर, एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच एंड बींग रिच माई वर्च्यू देन शैल बी टू से देर इज नो वाइस बट बेगरी सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी गेन ही बी माई लॉर्ड फॉर आई विल वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि अश्योर करती हूं, मैं उनके अश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप।
मैं भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद, राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ न जा, झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते गर एतिबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद।